मुझे लगता है मैं इमोशनल हो जाऊंगी ठीक है कोई बात नहीं इनका तो समझ में आता लेकिन एन सी डब्ल्यू मैं मेरा क्या गुनाह है मैं बहुत साधारण परिवार से आती हूँ सर है ना तो बहुत बुरा लगता है अभी मुझे ये भी पता है स्क्रिप्ट को कट करके लोग ये बताएंगे कि देखो देखो मैंने ट्रोल करके रुला दिया उसको ये तुम्हारा हासिल नहीं है तुमने मुझे रुलाया रुलाया नहीं है वो एन सी डब्ल्यू ने भी कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं बिल्कुल नहीं मैं लगातार आप देखते होंगे लगातार मैं एक्टिव रहती हूँ कि भाई क्या गुना है मेरा क्या गुना है कोई रिस्पॉन्स नहीं एन सी डब्ल्यू ने कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और आए दिन होता है मुझे मैंने कल भी देखा कल भी मेरे बारे में उल्टी सीधी पता नहीं मनगढ़ काल्पनिक कथाएं ला करके इसका ये वाला कांड जानते हैं उसका वो वाला गुट है पता ही नहीं है मुझे ये कब हुआ क्या हुआ तो ये चीज़ें हैं मेरी शिकायत है एन सी डब्ल्यू से आप कहाँ हो भाई ठीक है स्मृति ईरानी जी का तो फिर भी समझ में आता है कि ये नहीं बोलती हैं मणिपुर पे नहीं बोलती है अंकिता भंडारी केस में नहीं बोलती है। ये नेहा के है वो। नेहा का सम्मान नहीं। मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ ये मेरा सवाल है बाकी मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूँ आप मेरा मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे अगर आपको ये लगता होगा कि लड़की दिख रुला दिया इमोशनल कर दिया आपकी आलोचनाओं ने और आपकी भद्दी गालियों ने मुझे बहुत बना दिया hmm, कि भेज के ई डी सी बी आई करत बर जोर बाड़े साहेब चंदा चोर बाड़े हो भेज के ईडीसीबीआई करत बड़ जोर बाड़े साहेब चंदा चोर बाड़े हो कैसे चंदा चोर बाड़े अरे बीफ कम पानिया के कैके ब्लैक मेल हो अरे चंदा दो पे बैठल ताल मेल हो अब मैं तो म्यूजिशियन भी नहीं हूँ कि इसमें म्यूजिक <laughs> और ये दे सकूँ। मैं मैं चुटकी बजा रही हूं हां उसमें म्यूजिक की कमी इसमें खटक रही है कि कुछ चुटकी से आप हाँ, मेरा साथ दे सकते हाँ, हैं हां देखते हैं अगर चुटकी भी वैसे बजा पाए बीफ कम पानी या के कई के ब्लैक मेल हो चंदा दो आ पे बैठल ताल मेल हो कि इता देश के रिश्वतखोर रिश्वत खोर बाड़े साहेब बाड़े हो एक लाइन और मैं सुनाऊंगी आपको और देश में कोरोना के जब आप साहेब तब आपदा में अवसर घूम ले कि वैक्सीन के के ना और साब चंदा चोर बड़े तो ये कब लिखा है नेहा आपने ताजा है एकदम हाँ एकदम ताजा ताजा गीत है ये लगभग तीन चार दिन पहले इस गीत तीन चार थार दिन थार थार। पहले और आप पहचान तो चुके होंगे नेहा सिंह राठौर और बीते तीन सालों में नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर अपनी गायकी की वजह से और सबसे बड़ी बात जो एकदम रेलिवेंट इशूज़ होते हैं बेरोज़गारी महंगाई अब ये चंदा चोर चंदा चोर चुनावी चंदे और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला है अभी दस दिन से मामला सुर्खियों में है दस पंद्रह दिन से और नेहा ने उस पर गाना गाकर रिलीज़ कर दिया तो अपनी गायकी के जरिए नेहा एकदम आप तो लिखता कौन है खुद लिखते हो हाँ, हाँ मैं खुद ही लिखती हूँ सर अपने गीत में खुद तो ही तो जैसे ये लिखा और उसके बाद आपके साथ कोई आ, कम्पोजिंग के लिए म्यूजिक में दो तीन लोग हैं नहीं मैं आपको बता देती हूँ मैं बड़ा वन मैन आर्मी टाइप का मेरा मामला है गीत मैं खुद से ही लिखती हूँ गाती मैं खुद से ही हूँ धुन में खुद ही डिसाइड करती हूँ कैसे गेटअप में करना है क्या करते हुए कर, कभी कभी मैं साड़ी फोल्ड करते हुए कभी मैं सोचती हूँ बर्तन कुछ क्रिएटिव तरीके से हाँ, वो जो तरह तरह का देखते रहते हैं भाव भंगिमा जो है हाँ हाँ सब तो खुद सोचते हो हाँ वो मैं खुद ही सोचती हूँ बाकी ये तबला प्ले करने के लिए जब जब जैसे अभी मैं नोएडा में हूँ तो यहाँ का कोई लोकल मैं पकड़ लेती हूँ लखनऊ में हूँ तो तबला प्ले करने के लिए किसी को मैं ऑनलाइन में सर्च करती हूँ कौन है तो काबा तो का ही पार्ट है काबा तो लिख करके लाई ना मैं आपको सुनाती हूँ अच्छा, वो, वो भी सुना वो भी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल मैं उसके बाद फिर हम बाकी बातें करते हैं बिल्कुल बिल्कुल नेहा सिंह राठौर को आज तौर से मैंने आमंत्रित किया जरा नेहा चूँकि सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल हो रही हैं होती रहती हैं पिछले दो तीन सालों से अक्सर और बहुत सारे लोग उस ट्रोल करने वाले ब्रिगेड में बीजेपी आईटी सेल के लोग होते हैं बीजेपी के लोग होते हैं नेहा रिस्पॉन्ड भी करती है रिएक्ट भी करती है और फिर कई बार गा के जवाब भी देती है तो आज मैंने कहा जरा बात भी की जाए ट्रोलिंग से इनकी मनोदशा पर कोई फर्क पड़ता है या हौसला ऐसे ही बुलंद रहता है तो ज़रा विस्तार से बात भी लेकिन गाय की बहुत अम हाँ दसवा में काबा क्या है बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाती हूँ आप लोग भी सुनिए हम्म अरे दुनिया भर में शोर बात चौकी दरवा चोर बात चंदा लेके धंधा देवे बड़का रिश्वत खोर बा अरे का बा देशवा में का बा अरुणाचल में चीन के दावा होखत बारंबार बार बा अरुणाचल में चीन के दावा होखत बारंबार बार बा कुछ भी पूछो एक कही उत्तर नेहरू जिम्मेदार बा अरे काबा देशवा में काबा मणिपुर हिंसा के साहेब कैले दर की नार बा मणिपुर हिंसा के साहेब कैले दर की नार बा नारी शक्ति के दुश्मन भैया मोदी के परिवार बा अरे काबा देशवा में काबा इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला बा बुढ़वा के मन में काला बा बीफ कंपनी से करे वसूली पाकल दरिया वाला बा अरे का देसवा में काबा अपराधी भ्रष्टाचारी गुंडा माफियान के यकीन बा अरे पाप वाप सब धुल जाए ऐसा वॉशिंग मशीन बा काबा दे में काबा अरे मथुरा के मोहन के छोड़ा मैक मोहन के बात कर मथुरा के मोहन के छोड़ा मैक मोहन के बात कर देश की जनता के संग साहेब जंतु विश्वास घात कर अरे काबा दे में काबा बेरोजगारी दंड बा महंगाई प्रचंड बा अर्थव्यवस्था के हो भैया टूटल मेरु दंड बा अरे काबा दसवा में काबा तो ये कब लिखा दसवा में काबा ये भी इसको भी तीन चार दिन पहले ही लिखा है सर तो यार ये आप ऐसे ऐसे गाने लिखोगे दसवा में काबा अच्छा लगा मेरा अच्छा तो लगा लेकिन ये साहब चंदा चोर बाड़े और ये सब गाओगे भोजपुरी मुझे उस तरह से आती नहीं है हम लोग बेगूसराय के हैं तो वहाँ थोड़ी मैथिली थोड़ा अंगिका और सबका मिश्रण है लेकिन हाँ भोजपुरी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि भोजपुरी की जो जो तासीर है वो बिल्कुल अलग है तो ऐसा लिखोगे तब तो भाजपाई और ये सब ट्रोल तो करेंगे ही आपको? ट्रोल करते रहें ऐसा कोई नया ट्रोल नहीं कर रहे हैं मैं पिछले तीन चार सालों से इनके भद्दे टिप्पणियों के साथ जो है मैं देख ही रही हूँ तो ठीक है करे उनका वो काम है बाकी संविधान ने मुझे आजादी दे रखी है मैं मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे पता नहीं लगेगा लोगों को संविधान अच्छा चलो गीत ही पहले गीत, वो, वो सुना ठीक है आपकी पहचान गायकी से है तो मैं चाहता हूँ आपकी गीत पहले सुने फिर उसके बाद देखिये गीत गाना और इस तरह के गीत गाना कि उससे आप सत्ता को असहज कर सकें और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के भक्तों की जो जमात है वो बिलबिला जाए बौखला जाए ट्रोल करने लगे और उसके बाद भी आप टिके रहें और उसके बाद भी गाते रहे बोलते रहे सोशल मीडिया पर जवाब देते रहे तो किसी लड़की के लिए ढीठ और... आ... तो हो गई हूँ बहुत ज्यादा मुझे आ, लगता आ, है चलो करो अब तुम जितनी मुझे भद्दी भद्दी दोगे उतना मेरा जो धार है वो और तीखा होता जाएगा तो तुम मुझे परेशान नहीं कर पाओगे लेकिन बहुत मुश्किल होता है एकदम सही बात है क्योंकि हमारा भी अपना घर परिवार है मेरे मम्मी पापा भी देखते हैं सोशल मीडिया पे वो भी हैं तो देखते मेरी बेटी को कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है खैर मैं उस पर भी आते हैं उस पर भी आते हैं चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम भी आपने एड्रेस करते हुए ट्विटर पर कुछ लिखा है उस पर भी आते हैं संविधान गीत क्या है चूंकि सबसे अधिक बात संविधान की हो रही है कि देश में संविधान खतरे में है लोकतंत्र खतरे में है संवैधानिक संस्थानों पर चोट हो रहा है संविधान कॉम्प्रोमाइज हो रहा है संविधान बदलने की बात हो रही है बीजेपी के नेता ऐसे बयान दे देते हैं चौबीस के बाद हम संविधान बदल देंगे तो उसके खतरे भी हैं तो क्या ये सब खतरे हैं उस गीत में माफ करिए मैंने मैंने सुना नहीं है है इसलिए अभी सुन रहा ठीक ना मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं सर जैसे मैं भोजपुरी से आती हूँ बिहार से आती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संविधान पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया तो मैं उनके लिए बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में उनके अधिकारों के गीत मैंने जो है आ, बनाया है मैं सुनाती हूँ चार पांच मिनट लगेगा इसको थोड़ा सा लंबा गीत है हो संविधान के सुनला विचार भैया अव समझयापन अधिकार भैया तो हर पहला अधिकार हो समता के हो जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो केहू छोट बड़ ना बराबर भैया आव समझयापन अधिकार भैया चौदह से अठारह के सार भैया आव समझयापन अधिकार भैया तो हर दूसरा अधिकार हा स्वतंत्रता के हो बोले पढ़े रहे घूमे के आज़ादी देवे हो समुदाय व्यवसाय के आज़ादी देवे हो उन इससे बाईस के गुहार भैया समझाया समझायापन अधिकार भैया तो हर तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध तेईस से चौबीस कहे बार बार भैया अब अपन अधिकार भैया चाहे मंदिर जै चाहे मस्जिद जईह चाहे चर्च में चाहे गुरुद्वारा जई पूजा पाठ पे हक बा त्योहार भैया आव अपन अधिकार भैया पच्चीस से अट्ठाइस के पुकार भैया आव अपन अधिकार भैया भाषा बच जाए बच जाए कल्चर तो हर माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार एहो उनतीस से तीस के पुकार भैया अव अपन अधिकार भैया तो हर घर से घर के होगी रफ्तार चौबीस घंटा में कचहरी करे खुद विचार से के भैया अव अपन अधिकार वाह बहुत अच्छा तो आज के दौर में ये कब लिखा संविधान गीर? मुझे लगता है तीन साल पहले लिखा अच्छा तीन साल पहले तो नेहा मुझे लगता है अगर मैं याद करूँ शायद मेरा आपसे परिचय हुआ था 2020 में कोविड का पहला दौर खत्म हुआ था बिल्कुल और बिल्कुर। आपने बेरोजगारी गीत लिखा था बिल्कुर, और बेरोजगारी उस दिन अनएम्प्लॉयमेंट uh, डे या ऐसा कुछ ट्रेंड कर रहा था सितंबर सत्रह सितंबर क्यों सत्रह सितंबर <laughs> <laughs> क्योंकि मोदी जी का उस दिन जन्मदिन जन्मदिन है और बच्चे जो है जो बेरोजगार बच्चे ट्विटर पे एकदम से ट्रेंड चला दिए बेरोजगारी दिवस हाँ तो आपने गाना उसके पहले लिख लिया था या उसके बाद पहले लिख लिया था नहीं मेरे को गाना लिखने में दो घंटे लगते हैं मैंने उसी से मैं रिलीज किया उसी, उसी अच्छा तो वो गाना जब नेहा का आया तो पहली बार मैंने इस लड़की का वीडियो देखा ट्विटर पर मैं चौंक गया कि ये कौन है बहुत जबरदस्त काबा काबा था नहीं, नहीं बेरोजगारी वाला हाँ, था काबा था। उसके पहले आ गया था बिहार में काबा हाँ, सॉरी बिहार हाँ, हाँ, में काबा पहले आ गया पहले तो मैं था मैं रिकॉल करो बेरोजगारी वाला वो आया तो उसके बाद बेरोजगारी दिवस पे वो गाना देखा तब मैं हालांकि मैं कंफ्यूज करूँ शायद हमने पहली बार जब इंटरव्यू किया था तो बिहार चुनाव के पहले किया था या पहली बार शाये, बात की बिहार में काबा बिहार में काबा में शायद पहली बार बात अब हाँ याद आया हाँ हा, 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 बिहार में काबा जब नेहा ने गाया था तब पहली बार हमें या वही मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तब हुँ, शायद हमारी बात हुई थी और बहुत ट्रोल किया जा रहा था तुमको और काफी ट्विटर पर या फेसबुक पर ट्रोल भी किया जा रहा था और गाने बहुत वायरल हो रहे थे तब पहली बार में नेहा से संपर्क किया ट्विटर के जरिए डायरेक्ट मैसेज करके शायद नंबर मांगा और पहली बार इंटरव्यू किया था वो थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे आ, उसी समय खैर तो उसके बाद से लगातार वो सिलसिला चल पड़ा बिहार में काबा यूपी में काबा एम में काबा और उसके बाद अब देशवा में, में काबा हाँ तो अब आगे क्या अभी मैं देख रहा हूँ आज अपने ट्विटर पर आज लिखा है कल लिखा है पी केयर्स फंड में कोई घोटाला हुआ है इलेक्ट्रोल एलेक्ट, बॉन्ड के घोटाले से भी बड़ा है क्या इस पर भी घोटाला सॉन्ग आना चाहिए ऐसा भी कुछ कर रहे हो क्या बैकग्राउंड में म्यूजिक कौन है <laughs> कुछ लिखा है ट्विटर पर हमारी रिसर्च टीम ने दिया है बिल्कुल बिल्कुल आ, मैंने आज ही इसको ट्वीट किया है लोग मुझसे कहते रहते हैं कि इसमें भी कुछ लिखो ना तो मैंने सोचा कि भाई मैं एक बार लोगों के भी राय जान लेती हूँ पूछती भी हूँ कौन कौन से आप चाहते हैं कि मुद्दे ऐड होने चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं उस मुद्दे को ऐड करना तो लोग मुझे कॉमेंट में बताते रहते हैं कि इस वाले मुद्दे को ऐड करना बेरोजगारी वाले मुद्दे को ऐड करना तो मैं उस चीज को और अपने क्रिएटिव तरीके से कुछ कुछ करते रहती हैं तो ये बताओ जब ये गाना इतना लिखती हो बहुत वायरल भी होता है तो चूँकि ट्रोल वाली बात हमने की कि अभी शायद दस पंद्रह दिन पहले बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे कुछ मियाँ खलीफा से तुलना कर हुँ, दिया हुँ, बहुत हुँ, अश्लील बेशर्मी के साथ एकदम जिसको कहते हैं नीचता की हद तक जाकर लोगों ने ट्रोल किया और उसमें सारी मर्यादाएं तोड़ी तस्वीरों के साथ कोलाज बनाकर मैंने भी देखा हम जैसे लोग बेचैन होते हैं कि क्या हो रहा है कहाँ हम पहुँच गए तो वो बेचैनी आपके भीतर भी बहुत होती होगी थोड़ी देर डिस्टर्ब होते हो या नहीं होते हो या लगता चलो यार ये अब जैसे है ना कि अब इसको झेलना ही है कोई उपाय नहीं है और फिर अपने जुटते हो या बिल्कुल होता है हम कितना तीन चार सालों में ये जो ट्रोल आर्मी है उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बना दिया मैं तो कई बार इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ की मैं शायद इतनी कॉन्फिडेंट लड़की नहीं थी लेकिन इनकी आलोचनाओं ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बना तुमने कहा ढीठ हो गई ढीठ हो गई चलो करो अब हम भी देखते हैं लेकिन सर एकदम ठीक बात है कि थोड़े समय के लिए आदमी विचलित हो जाता है मुझे याद है जब मैंने ये चीज़ देखा मियाँ खलीफा का और मेरा वो जो कि एक पोर्न स्टार है मेरा दूर दूर तक वैसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं बहुत साधारण लड़की हूँ गांव देहात से आती हूँ मैं एक लोक गायिका हूँ मामूली सी और, और मेरी कोई पहचान नहीं है मैंने जब वो चीज़ देखा कि वो ट्रेंड में चल है ठीक है दो चार लोग जब दिख रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन जब मेरा नाम अपमानजनक तरीके से ट्रेंड होने लगा तो लिटरली मैं बता रही हूँ पता नहीं कई बार मुझे लगता है कि क्यों मैं कैमरे पर नहीं बताऊँगी लोग मुझे समझेंगे कि मैं कमज़ोर लड़की हूँ पर सर यही सच्चाई है कि मेरे आँख में आंसू आ गए थे ठीक तो है वो हिमांशु मेरे साथ थे वो हमेशा मुझे कहता रहता है कि अरे ठीक है जो तुम काम कर रही हो उसमें ये सारी होती रहेंगी उनसे यार क्या हो रहा है ये सब होता बिल्कुल, है बिल्कुल, नहीं देखिए क्या है ना वो लोग अभ्यस्त हो गए कि अब ये लड़की है कर रही है तो ये झेल नहीं पड़ेगा रही हाँ ये तीन चार सालों में बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो भी अभ्यस्त हो गए हैं लेकिन मुझे खुद से ही लगता है कि क्या सोच रहे होंगे मेरे घर परिवार के मेरा भाई मैं तो अपने भाई को ब्लॉक कर रखा है हर जगह से क्यों देख नहीं ना पाए कि लोग मुझे कमेंट क्या कर रहे हैं बाद में वो बड़ा मेरे पिताजी को भी मैंने ब्लॉक कर दिया कि भाई आप लोग नहीं देखेंगे तो क्या कीजिएगा ये होता है बिल्कुल होता है पर एक चीज के लिए मैं अपने आलोचकों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी कि इन तीन चार सालों में मुझे बहुत ढीठ बना दिया है अब मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली हूँ मेरा हौसला तोड़ पाना अब आसान नहीं है आज से चार साल पहले मैं कह सकती थी कि हाँ यू टर्न ले लेते हैं यार ये अपनी अपना गोला नहीं है यहाँ पे तो इतनी बेरोजगारी का गीत गाने पे इतनी गाली क्यों पड़ रही पर अब मुझे लगता है कि अब आओ तुम भी तुम जितना मुझे भद्र तरीके से ट्रोल करोगे जितनी मेरे बारे में अभद्र टिप्पणी करोगे मेरे गीत उतने ही तीखे होते जाएंगे अभी जैसे मैंने देखा ये डेट शायद छब्बीस मार्च को आपने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा कि आपके तथाकथित परिवार के लोगों ने मेरा अपमान करना बंद नहीं किया है इन लोगों ने मेरा नाम अपमानजनक तरीके से ट्रेंड करा कर मेरे सम्मान को ठोस पहुंचाई है देश का महिला आयोग इस पर चुप्पी साधे है आपका मीडिया भी संज्ञान नहीं ले रहा है क्या मैं देश की बेटी नहीं हूँ और संविधान के अनुच्छेद केन के तहत सम्मानजनक जीवन जीना मेरा अधिकार है कृपया न्याय दिलाइए तो ये क्या संदर्भ था वही मियाँ खलीफा वाला संदर्भ था और इसको अगर ये कह रहे हो कि तथाकथित आपके परिवार के लोगों ने मोदी जी को सीधा मैं तो बता रही हूँ देखिए क्या हुआ था उसी सेम दिन की मैं बात बता रही हूँ कंगना रनौत को लेकर के पूरा मीडिया कंगना रनौत के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था सब कोई कंगना रनौत की बात कर रहा है कि भाई कंगना रनौत इस देश की बेटी हैं स्वयं स्मृति ईरानी जी भी आ गई एकदम से ट्विटर पे कि कंगना रनौत इस देश की बेटी है नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान टाइप चल रहा है एन डब्ल्यू ने भी उस मामले को संज्ञान में लिया और सेम उसी दिन मेरे साथ ये सारी चीज़ें ये बेहूदगी हो रही थी एक चीज़ मैंने जो कॉमन देखा जितने लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे बहुत गंदी गंदी गालियाँ मैं कैमरे पर बताने में बहुत असहज हूँ लोग जानते भी हैं लोगों को भी आइडिया है मोटा मोटी तो मेरा कहना यहां जो एक चीज कॉमन थी उसमें वो ये था कि फलाने कुमार ब्रैकेट में मोदी का परिवार मैं ऐसी हवे में नहीं बोल रही हूँ कल भी मेरी एक जगह पे ऐसे डिबेट में झगड़ा हो गया तो नहीं, तुम से ट्रोल करवाते हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है नहीं ना, ट्रोल में गाली दिलवाना कौन करेगा ये तो वो ऐसे लोग और वो... करने को बहुत सारा सही काम है यही काम है तो वो मोदी का परिवार लिखने वाला लोग जो लोग हैं वो मुझे गाली देते रहते हैं तो मैंने मोदी जी को टैग करके एनसी से और स्मृति ईरानी जी से पूछा कि क्या मैं इस देश की बेटी नहीं हूं नारी शक्ति की बात खाली भाषणों में होगा अरे अपने परिवार वाले को कहिए ना कि थोड़ा सऊर सीखो नेहा सिंह राठौर इस देश की बेटी नहीं है मतलब आपको सम्मान तब मिलेगा जब आप भाजपा से किसी भी तरीके से आप जुड़े हुए होंगे भाजपा से जुड़े हुए आप नहीं है तो आप इस देश में दो एम दर्जे के नागरिक हैं आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी आपका सम्मान भाड़ में जाए मणिपुर की बेटियों का सम्मान भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है कंगना रनौत बस इस देश की बेटी हैं मैं बार बार सर कहना चाहती हूँ मैं कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है भाई किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे है ना मेरा गुना सिर्फ इतना है मैं प्रधानमंत्री जी से आज भी जब ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी स्मृति ईरानी से एन डब्ल्यू से मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा गुना सिर्फ इतना ही है कि मैंने मोदी जी से सारे सवाल पूछ लिए मैंने सिर्फ इतना पूछ लिया कि भैया दो करोड़ नौकरी का वादा तो आपने किया था कहाँ है वो बस यही मेरा गुनाह है तो मैं कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि हमें प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो ये सब जब होता है तो कभी ऐसा हुआ कि बीजेपी वाले या जब कोई ऐसा सत्ताधारी दल के किसी ने कहा कि इतना परेशान हो ऐसा क्या हुआ ऐसा कभी उनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से या कहीं बीजेपी के, हा, हा, हा। आप, आ, तो बीजेपी के नेता की तरफ से नहीं पा लिखते हो जैसे पीएम को टैग किया बीजेपी कि ने कौन ट्रोल कर रहे तो लड़ाई है सर बिल्कुल नहीं कभी नहीं कभी नहीं किसी ने मुझे फोन करके कहा कि ठीक है तुम्हारे सम्मान की रक्षा एनसी डब्ल्यू से जब आपने टैग किया उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं मैंने मुझे लगता है कि अभी मैं इमोशनल बिल्कुल नहीं होना चाहती हूँ सर लेकिन ये बहुत बुरी बात है मतलब मुझे सच बता रही हूँ ठीक है भाजपा स्मृति ईरानी और फलाना ढिमकाना से मुझे लगता है मैं इमोशनल हो जाऊंगी ठीक है कोई बात नहीं इनका तो समझ में आता लेकिन एन मैं मेरा क्या गुनाह है मैं बहुत साधारण परिवार से आती हूँ सर है ना तो बहुत बुरा लगता है अभी मुझे ये भी पता है स्कलिप को कट करके लोग ये बताएंगे कि देखो देखो मैंने ट्रोल करके रुला दिया उसको ये तुम्हारा हासिल नहीं है तुमने मुझे रुलाया रुलाया नहीं है तो एन ने भी कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं किया बिल्कुल नहीं मैं लगातार आप देखते होंगे लगातार मैं एक्टिव रहती हूँ कि भाई क्या गुना है मेरा क्या गुना है कोई रिस्पॉन्स नहीं एन ने कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और आए दिन होता है मुझे मैंने कल भी देखा कल भी मेरे बारे में उल्टी सीधी पता नहीं मनगढ़ काल्पनिक कथाएं का ला करके इसका ये वाला कांड जानते हैं उसका वो वाला झुट है पता ही नहीं है मुझे ये कब हुआ क्या हुआ तो ये चीज़ें हैं मेरी शिकायत है एनसीडब्ल्यू से आप कहाँ हो भाई ठीक है स्मृति ईरानी जी का तो फिर भी समझ में आता है कि ये नहीं बोलती हैं ये मणिपुर पे नहीं बोलती हैं ये अंकिता भंडारी केस में नहीं बोलती हैं ये नेहा सिंह राठौर के मामले में भी नहीं बोलती हैं अरे आप भी महिला हैं ना भाई आप के प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति और शक्ति स्वरूपा की बात करते हैं ना झूठ बोलते हैं आपके प्रधानमंत्री बिल्कुल झूठे आदमी है वो नेहा सिंह राठौर का सम्मान नहीं है मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ ये मेरा सवाल है बाकी मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूँ आप मेरा मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे अगर आपको ये लगता होगा कि लड़की देखो रुला दिया इमोशनल कर दिया आपकी आलोचनाओं ने और आपकी भद्दी गालियों ने मुझे बहुत ढीर बना दिया है नहीं दुख होना तो हो सकता है होना भी चाहिए आ, वो आपके इमोशन को मैं समझ सकता हूँ नेहा लेकिन मुझे लगता है सही है आपको आ, आपके भीतर इतना हौसला है कि उसके बाद भी आप लिख रहे हो नहीं तो किसी लड़की के लिए जब मुझे बुरा लगता है वो देख के कि कोई कुछ लिख रहा है मैं मैं भी दोहराने नहीं चाहता हूँ किसी पॉन स्टार को लेकर नाम से तुलना कर दिया या बहुत सारी चीज़ें अभी जिस कांड कुछ बोल रहे हो ऐसा भी ट्विटर पर लिख रहे हैं तो कई बार उसको रीट्वीट करके और उस पर एतराज़ जताने में भी ख़राब लगता है लगता है कि वो उसको और एम्प्लीफाई हो जाएगा वो जो भी लोग लिखा जा रहा है लेकिन हम लोगों को भी गुस्सा आता है कई बार मैंने देखा वो प्रज्ञा ने ट्वीट किया बहुत सारे लोगों ने किया उस पर आपके उस रिट्वीट करते हुए या जुल बट वो लगता है कि यार वो उसकी बात और एम्पलीफाई हो रही है और उसकी तकलीफ़ और मल्टीप्लाई हो रही है जगह लेकिन हाँ मतलब ये एक दौर है जो 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 कई बार परेशान करता होगा लेकिन कोई उपाय नहीं है कोई बिल्कुल लगता है कि हम हम असहाय हो गए हैं और ये सच में बहुत खराब दौर चल रहा है खास तौर से महिलाओं के लिए सर महिला सम्मान की बात खूब हो रही है भाषणों में खूब चल रहा है पर ग्राउंड पे आप देखें तो मैं हूँ यार मैं हूँ विक्टिम अब मुझसे पूछिए ना मैं लगातार कई दिनों से तो एक्टिव हूँ मैं बोल तो रही हूँ एनसीडब्ल्यू कब मेरे मामले को संज्ञान में लोगे भाई मेरा सम्मान नहीं है क्या पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है सब कुछ सांप सूंघ गया है स्मृति ईरानी जी ने अपने मुंह में दही जमा लिया है कोई नहीं बोल रहा है कब बोलोगे आप बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं तो चलो हिम्मत रखना पड़ेगा और इस दौर में आप जानते हो कि जो मैं बोले कॉन्फिडेंट लड़की हूँ सर हाँ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए इसलिए आप <laughs> आंसू पोछो हौसला रखो और मुझे लगता है ये मुझे कहने की भी ज़रूरत है मैं मानता हूँ कि आप बहुत हौसले वाले लड़की हो और ठीक है जो बोलेगा इस दौर में वो भुगतेगा आप जेल नहीं गए यही बहुत है

हाँ बोले तो फंसे ना बोले तो ये कोई सवाल हुआ हाँ अगर बोले कि नहीं चोर तो मतलब थे, थे थे, कभी हाँ। बोले कि हाँ तो यानी कि हो हाँ। तो ऐसे ही करके मुझसे सवाल पूछे गए अवैध नोटिस था मैं गई थी, यूपी थी। का यूपी सरकार जो हुआ था था नहीं किस चीज पे था, याद वो, आ रहा है दीक्षित परिवार के ऊपर हाँ, जो बुलडोजर चला दिया था डीएम साहब ने रंगबाजी से तो मैंने बस सवाल पूछ लिया था की कैसे जिम्मेदार बार मतलब वो योगी जी से मैंने सवाल पूछ लिया था मोटा मोटी तो नाराज केस खत्म हुआ नहीं सर बिल्कुल केस खत्म नहीं रहा हाँ, चल रहा है एम पी में चल रहा है तो एम पी कहीं जाना भी पड़ा थाना कोर्ट वगैरह जाना पड़ता है और मुझे तो बहुत अब वकील ही मुझे जो बताते हैं कुछ अदालत से क्वेश्चन जैसी चीज होती है तो कभी कभी ऐसे बात होती है भाई कहाँ तक पहुँचा मामला अच्छा उधर से कोर्ट ने शायद उनको बोला था की भाई आओ तो वो वो लोग आ ही नहीं रहे हैं आप समझ रहे हैं दूसरा पक्ष नहीं दूसरा पक्ष जो है जिन्होंने एफ किया है की भाई आओ क्या मामला है बताओ वो लोग आ ही नहीं रहे हैं तो ऐसे ऐसे तो ये लोग एफआईआर देखिए इनका एफआईआर दर्ज करने का मतलब और गंदी गाली देने का मतलब जो मुझे समझ में आया है वो बस इतना सा है कि ये एक लड़की है कम उम्र की लड़की है गांव देहात से आती है चार एफ करेंगे ना तो डर जाएगी तो डर जाएगी दूसरी चीज इनके इनकम का सोर्स क्या है यूट्यूब का एडसेंस तो जितना इनकम का जितना इनकम नहीं होगा उतना उससे ज्यादा अगर वकील को पैसा देना पड़ेगा कोर्ट कचरी का चक्कर में कहीं सागर और जबलपुर और कहीं हाँ। जाना पड़ गया असम और कहीं तो बस परेशान हो बस जाएगी परेशान छोड़ो किस पचड़े में पड़ना किस पचड़े में पड़ना तो फिर दूसरी चीज की जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारी क्रिएटिविटी बाधित होगी ना भाई हम काम करने वाले लोग हैं हम लिखने गाने वाले लोग है ना तो लिखने के लिए माइंड का फ्री होना बड़ा जरूरी है अब दिमाग में चल रहा है की अच्छा वकील से मिलना है अच्छा वकील को इतना पैसा देना है रूम का रेंट भी देना है बिजली पानी सब कुछ हमको करना है तो हाँ बिल्कुल होता वो बेसिकली मुझे पूरी तरीके से परेशान करना चाहते हैं ये थोड़ा टालते हुए बात हाँ, करें नॉर्मल भी करते हैं आपको बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। खैर तो ये देखो ये मैं जो है बीच में थोड़ा विषय बदलता हूँ हाँ, हाँ, ये ठीक। मेरी छोटी सी छत है जहाँ काफी फूल पौधे है और बागवानी और इसमें पेड़ पौधे में मुझे बहुत

<laughs> तो जब ये केस मुकदमे की बात होती है तो कभी हिमांशु भी कहता है कि ये क्या है फालतू के पचड़े में कहीं जाना पड़ गया ये सब भी होता है सर इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ ये कभी नहीं हुआ और शायद इसका इसका रीजन ये है कि हम दोनों ने प्रेम विवाह किया हुआ है तो इसका तो फायदा मिलेगा कि जब हिमांशु ही अब मुझे लगेंगे कहने तो फिर फिर क्या और बचेगा कौन बचेगा और कौन बचेगा कभी नहीं जैसे यूपी में काबा गाया और इस्तीफा ले लिया गया हिमांशु से तो कई बार उसके बाद मैं कहती थी उससे अभी नहीं अभी तो सब एकदम नॉर्मल हिमांशु तुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तेरी जिंदगी में क्या ही बदल बन गलत, गलत, गलत क्या तुम्हारा डिसीजन गलत आ, तो नहीं था मुझसे शादी कर लेना कि बताओ एक लड़की ऐसी आई जिसकी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई कभी नहीं मतलब कॉन्फिडेंट रहो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है तुम जो कर रही हो ये बड़ा जरूरी काम है

बीजेपी के लोग तो नाराज होंगे कहने की बात नहीं है। आपको ट्रोल भी करते होंगे कहने की। तो के लोग या की बाकी ऐसा कुछ नहीं कभी हुआ है कि कोई कॉल करके ही मेरी तारीफ कर दे रहा है बहुत कम बहुत कम हाँ लेकिन ट्विटर पे मैं देखती हूँ कि विपक्ष के लोग एक्टिव रहते हैं मेरे गीत वगैरह वो शेयर करते हैं बीच में ये भी चर्चा हो रही थी कि <laughs> बोली, बोली। क्या सवाल पूछने वाला वालों समझ गई तुम कांग्रेस पार्टी टिकट कुछ पूछने ये वाला। चर्चा ट्विटर पर देखा कि कुछ चुनाव लड़ने का सोच रही हो या मन बना चुकी हो कांग्रेस पार्टी से बात हो रही है या अप्रोच किसने किसको किया मुझे पता नहीं मैं ट्विटर पर और कुछ वीडियो में देखा उसमें क्या मामला है देखिए सर मैं ना अभी क्योंकि अब तो टिकट अभी हुआ नहीं है शायद शायद, शायद अभी अनाउंस नहीं हुआ है मैं एक महीना पहले गई थी मुंबई में एक इवेंट था कोई प्रशिक्षण शिविर था कांग्रेस वालों का ही तो उन्होंने हमको इनवाइट किया था बतौर आर्टिस्ट तो वहां पे मुझसे किसी ने पूछ लिया किसी न्यूज़ चैनल वाले ने कि क्या आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं नहीं कांग्रेस अगर आपको टिकट तो आप मुझे तो बहुत अच्छा लगा बहुत सारे लोग मेरे नहीं, आग... तुमने भी तो कहा कि अगर कांग्रेस देती है टिकट तो तुमने ये डिनाई नहीं किया महत्वाकांक्षा है पोलिटिकल एम्बिशन है कि हाँ अगर टिकट मिल जाए तो चुनाव लड़े सर मैं बहुत महत्वाकांक्षी लड़की हूँ और मुझे हाँ अच्छा? लग... हाँ हा, मैं हूँ मुझे लगता है लोगों को होना चाहिए आदमी महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो बड़ा आलसी हो जाएगा उसको लगता चलो ठीक है चल रहा है ना काम धम नहीं मुझे लगता है दूसरी चीज की मुझे लगता है मैं थोड़ी सी जागरूक लड़की हूँ मैं देखती रहती हूँ भाई क्या चल रहा है मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन बोलेगा जैसे अगर मैं कलाकारों की बात करूं तो ज्यादातर चाटुकार हो गए हैं ये चीज पत्रकारिता के फील्ड में भी है आए दिन हम सबको देखने मिलता रहता है तब लगता है महाराज कि हम नहीं बोलेंगे जब हम भी नहीं बोलेंगे तो ये चीज बचेगा कैसे कौन करेगा सवाल तो मैं तो सवाल करती रहती हूँ तो टिकट वाले पे हम आगे आते एक बात तुमने कही बहुत अहम है हा, हा। कि कलाकार चाटुकार बन गए <laughs> तो आ, क्या होता है कि हम लोग बचपन से ये इसी तरह से परवरिश हुई इसी तरह से सोचते रहे कि जो कलाकार होता है जो फनकार होता है कवि होता है लेखक होता है वो सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ उनकी नाकामियों की बात उनकी नीतियों विफलताओं की बात अपने ढंग से अपने शब्दों में लिखता है भाई दिनकर किसी ज़माने में लिख गए सिंहासन खाली करो जनता आती है नागार्जुन ने क्या क्या नहीं लिखा इंदिरा गांधी के दौर में बहुत कुछ दुष्यंत कुमार ने क्या नहीं लिखा आ, तो इस दौर में बहुत सारे ऐसे जो आ, कलाकार हैं फिल्मी कलाकार हो चाहे गायकी में हो वो सब मोदी जी के साम में कसीदे पढ़ रहे हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। धारा के विपरीत चलने वाले बहुत कम लोग बच गए बिल्कुल बिल्कुल तभी तो, तभी तो, तभी तो हमारी जिम्मेदारी सर बहुत अहम हो जाती है कि है कि ठीक एक एक लाइन से सभी जैसे और चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी आ, मेरे इवेंट्स कैंसिल कराते रहते हैं ये लोग कई बार ना मैं लोगों से मिलती हूँ तो मैं ये कहती हूँ नीचे आते हैं कैमरा मैन को गिम्बल पे हमारे करण जो कैमरा मैन है लगभग पैंतीस मिनट से इन्होंने इधर इधर आप इधर आइए गिम्बल संभाला हुआ है तो उनको परेशानी भी हो रही होगी अब आप जो है हम लोग थोड़ी यहाँ बात करते हैं क्योंकि <laughs> सनडाउन भी हो रहा है और करण गिम्बल से परेशान अगर लगातार हैं तो एक इनको नीचे कुछ स्टूल दीजिए वो थोड़ी देर गिम्बल को वहाँ पे टिकाएंगे हाँ कई Sorry. बार जो है हाँ कोई बात नहीं कई बार जो है लोग मुझसे कहते रहते हैं कि बताओ मोदी जी ने तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं क्या कि भाजपा की सरकार ने दस सालों में कोई काम ही नहीं किया जिसको तुम गिना सको तो मैं तो यही बात कहती रहती हूँ कि पूरा एक गैंग बन गया है चाटुकारों का वो रोज़ मोदी जी का काम गिना रहा है मोदी जी के पास तो अपना मंच मीडिया करोड़ों रुपए खर्च करके एडवर्टीजमेंट और प्रोजेक्ट के थ्रू बता ही रहे हैं बचा कुचा काम ये इनके चाटुकार लोग कर दे रहे हैं चाहे बॉलीवुड से हों चाहे यहाँ कवि लोग हों शायर लोग वो वो लोग भी कर रहे हैं तो जो नहीं कर रहे हैं जो चीज़ें नहीं बता रहे वो मैं बताने का काम करूंगी बड़ा अहम हो जाता है फिर हमारी जो जिम्मेदारी है कि भाई ठीक है एक लाइन से सब लोग चाटुकारिता ही करेंगे मोदी जी का महिमा मंडन ही करेंगे तो कोई ये भी बताएगा कि सर बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है अब वादे तो पूरे नहीं किए तो वो काम मैं कर रही हूँ तो अब ये बताओ फिर वो टिकट वाले पे आते हैं हाँ 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 तो क्या हुआ मतलब कांग्रेस में बात हुई कि नहीं किसी से सर मैं आपको बता या रही तुमने मूड बना लिया सामने से कोई बहुत सॉलिड कंक्रीट ऑफर नहीं आया नहीं नहीं मैं मैं बताती हूँ मीडिया ने खूब हवा बनाया इस चीज़ का आए दिन मुझसे आकर के बताइए आप आप जो है कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं मनोज तिवारी के खिलाफ मैंने सब जगह जाकर के यही बोला है कि मैं इस चीज को बड़ी एंजॉय कर रही हूं कि लोग जो है मीडिया जो है मेरे बारे में खबरें चला रही है दूसरी चीज एक दो लोगों से मेरी बातचीत भी हुई तो उनका यही कहना था कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं क्या आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगी तो मैंने भी बोला कि हाँ मतलब अगर ऐसा आप देखिए सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई पार्टी आ, मेरे लिए कंसिडर करती है मुझे उस योग्य समझती है तो मैं आज भी उस चीज़ को कह रही हूँ मैं वो लड़की नहीं कि हाँ कल ऐसा बोला आज बो आज आज कुछ अपने जो स्टेटमेंट है उससे मुकर जाऊँगी मैं आज भी कह रही हूँ कि हाँ अगर कोई पार्टी मुझे इस योग्य समझती है तो मैं उस पर विचार ज़रूर करूँगी कि ठीक है देखते हैं क्या हो सकता है दो पहलू इस सवाल के मनोज तिवारी का नाम तुमने ले लिया मनोज तिवारी से के पीछे क्यों पड़ी हुई। <laughs> नहीं, ओ, नहीं पुराना पुराना उनके जो होते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना दस बीस साल पहले कहीं कोई गाया होगा कोई अश्लील गाने भोजपुरी में गाए होंगे है, बहुत जरूरी है गड़े मुर्दे की तरह निकाला और उसके बाद मनोज तिवारी को चिपका दिया नहीं 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 गड़े मुर्दे की अगर आप बात कर रहे हैं सर मेरा मनोज तिवारी जी से सवाल मनोज तिवारी जी मेरे ही जिले के हैं और जब ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तब मुझे याद आता है कि मनोज तिवारी जी बहुत शुरू से लेकर के बहुत शुरू से बेटियों की पढ़ाई बाधित करने का कोई भी उपाय नहीं छोड़ते थे गाना गा गा करके बताते थे कि बबनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ा हुआ कहनी कि गुएं में नौवा लिखा इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि गाँव में ही नाम लिखाओ बाहर मत भेजो पढ़ने के लिए ये लोग बेटी पढ़ाओ की बात कैसे कर सकते हैं दूसरी चीज़ क्योंकि वो भी भोजपुरी से आते हैं मैं भी भोजपुरी से आती हूँ मुझे भोजपुरी समझ में आती है तो मुझे ये समझ में आता है कि ये आदमी कितना गंदा गाना गा रहा है कब देबू कहाँ देबू बहुत गंदा गंदा लहंगा चोली रवि किशन है मनोज तिवारी जी है, दिनेश दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी वो गाते हैं कि बहुत गंदा मैं बोल भी नहीं सकती कि जो लड़की एक गाना में सुन रही थी सर मुझे इतना अजीब लगा मैंने कहा ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं निरहुआ जी एक गाना गाते हैं उस गाने का एग्जैक्ट बोल मुझे नहीं याद है लेकिन उसका भाव याद है उसमें यह है कि कोई लड़की जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ने जा रही है उसका उसके सर के साथ इस जो है अवैध तरीके का संबंध है आप ये बता रहे हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं भाई लोगों के मम्मी जो बच्चे हैं उनके मम्मी पापा के बीच यही तो मैसेज जाएगा कि क्या है क्यों क्यों भेजेंगे पढ़ने क्या पता जो ट्यूशन पढ़ा रहा है उसके साथ इसका फेयर हो जाए और ये सारी चीज़ें बहुत गलत तरीके से महिलाओं का जो है चरित्र हनन करना अपने गीतों में लहंगा चोली से ऊपर नहीं उठ पाना तो भोजपुरी भाषी होने के नाते बिहारी होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे ये पूरा हक है कि मैं आपसे सवाल करूं कि आप होते कौन है हमारे भाषा को गंदा करने वाले लेकिन मनोज तिवारी के पीछे जो तुम पड़ी या मनोज तिवारी के बहुत सारे गाने जो तुमने ट्वीट किए पुराने निकाल के तो ऐसा लगा कि चूंकि मनोज तिवारी के खिलाफ दावेदारी देख रही है नेहा राठौर मैं पिछले टिकट क... की इसलिए मनोज तिवारी को उनके पुराने गाने अश्लील गाने उनको एक्सपोज करके उनको डाउन करने के लिए नेहा कर रही सर, है सर मैं आपको बता मैं पिछले चार सालों से मनोज के पीछे पड़ी हो मैं लगभग जो भोजपुरी के जितने अश्लील गायक गवैये हैं इन सबके मैं कच्चे चिट्ठे और इनका पोल खोलती रहती हूँ लेकिन सर बात ये हो जाती है कि लाइम लाइट में कुछ चीज़ें ही आ पाती हैं मीडिया कवरेज कुछ चीज़ों को ही मिल पाता है तो लगता है कि बस ये अभी कर रही है जबकि आप मेरा पुराना इंटरव्यू उठा करके देखेंगे मेरा पहला इंटरव्यू देखेंगे उसमें भी मैं बात कर रही हूँ इन, इन भोजपुरी के फूहड़ गवैयों के बारे में कि इन लोगों ने भोजपुरी को बर्बाद किया एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी आप कह रहे हैं ना कि मनोज तिवारी जी का नाम क्यों मैं जब रिसर्च कर रही थी क्योंकि ये फूहड़ गीत कोई हमारे घर में कभी नहीं सुना ना ऐसा हुआ कि ठीक है सीढ़ी में जब उस जमाने में कि सीढ़ी में बज रहा है इन लोगों को कोई पूछता भी नहीं था हमारे घर में लेकिन ठीक है ऑटो में चल रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर बज रहा है ये गंदे फूहड़ गीत जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक चीज देखा भोजपुरी में अश्लीलता की शुरुआत मनोज तिवारी जी ने किया अच्छा है। बिल्कुल अभी तो ये उनके आदर्शों पर चलने वाले टुटपुजीय कलाकार हो गए हैं आदर्श है मनोज तिवारी जी भोजपुरी में गंदे और फूहड़ गीतों के आप पूछ सकते हैं कि ये मैं कैसे कह रही हूँ इतना दावे के साथ मैं कैसे कह कैसे रही? कैसे क्योंकि मुझे मैंने मनोज तिवारी के पुअर गानों पर रिसर्च नहीं किया दरअसल मनोज तिवारी को इस लाइक माना ही नहीं बोला हुआ है मोदी जी तो उस पर आप रिसर्च करते रहिए कि 2014 के पहले क्या बोला 14 के बाद क्या बोला तो जिंदगी इसी में बीत जाएगी बिल्कुल तो मनोज तिवारी के बारे में क्योंकि मैं जो है भोजपुरी बचाव आंदोलन चला रही हूँ मनोज तिवारी जी Uh, हो जाते हैं कि भाई इनसे सवाल होना हुँ, चाहिए हुँ, मैं जब रिसर्च कर रही थी सर तो मैंने देखा एक चीज जैसे हमारे यहाँ आपके घरों में भी देवर भाभी के रिश्ते हैं जीजा साली के रिश्ते हैं मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरीके से आ, हमारे घर में अवैध तरीके का कोई नाजायज हो लोगों के बीच लेकिन मनोज तिवारी जी ने देवर भाभी के रिश्ते को बदनाम किया एक गीत था गीत के बोल मैं नहीं सुनाना चाहूंगी भाव आप समझिए मनोज तिवारी जी उसमें देवर का कैरेक्टर है और एक कोई भाभी बनी हुई है सवाल पूछ रहे हैं गीत के माध्यम से कि आज भैया घर पे नहीं है क्या परेशानी है बताइए मैं दूर करूं तब मेरा दिमाग खटका कि इस व्यक्ति ने देवर भाभी के रिश्ते को जलील करने का काम किया जीजा साली का रिश्ता सर इतना, इतना दूषित कभी था नहीं जितना भोजपुरी गानों ने उसको बर्बाद किया है देवर भाभी का रिश्ता बड़ा ही प्योर रिश्ता है ना लेकिन आप भोजपुरी गाने उठा करके देख लीजिए देवरा पता नहीं चटना की भाभी लगती हूँ रिश्ते में, में मेरी भी शादी हो गई है मेरा देवर बड़ा प्यारा सा है बड़ा सम्मान से मुझसे मिलता है मेरे घर में भी भाभी हैं उनके भी देवर है बड़ा सम्मान वाला रिश्ता है कहीं कोई ऐसी बात नहीं है मेरे आस पड़ोस में मेरी रिश्तेदारी में तो मैं ये सोचती हूँ यहाँ बैठने में तो दिक्कत नहीं, 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 नहीं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं सर बिल्कुल कोई दिक्कत गुण। नहीं गुण। तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई ये ये कहा की बात हो रही है किस समाज में देवर भाभी इतना बदनाम है कहाँ पे जीजा साली का रिश्ता इतना नाजायज है तो इन्होंने शुरुआत की इसीलिए सवाल इनसे ज्यादा बनता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टुटपुजिया कलाकार पैदा कर दिए क्यों अब वो कहते हैं जितना गंदा गाएंगे उतना जल्दी हम संसद जाएंगे अब भाजपा तो है ही फूहड़ गीत गाओ भाजपा से टिकट पाओ संसद पहुंच जाओ कुछ दिनों में तो मुझे लगता है कि भोजपुरी को भी ये लोग सॉरी संसद को भी ये लोग एकदम डिस्को डीजे बना के रख देंगे भोजपुरी वाला ऑर्केस्ट्रा बना करके रख देंगे तो मनोज तिवारी जी से इसीलिए सवाल क्योंकि शुरुआत तो कभी मनोज तिवारी के किसी आदमी ने नहीं कहा कि नेहा क्यों मेरे पीछे पड़ी है गंदे गीत गंदे गंदे ट्रोल तो करते रहते हैं मोदी का परिवार मनोज तिवारी जी भी तो मोदी का परिवार है तो वो ट्रोल आर्मी छोड़ रखी है तो मुझे नहीं पता है किसी ने कोई भरोसा दिया या ये कहा नेहा इस बार मुश्किल है नहीं 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 सर ऐसी कोई बात नहीं हुई मैंने कहा तो पहले ही अभी तो पता नहीं अभी तो मीडिया में कुछ ऐसा खबर भी नहीं है मुझे पता नहीं शायद दस दिन हो गए होंगे दो चार लोगों ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने बोला कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने बताया अपनी इच्छा मैंने बताया कि हाँ मतलब मौका मिलेगा तो मैं प्रयास करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी तो एक सवाल इस पर नेहा होगा ना कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई नेहा सिंह राठौर ने अभी ऐसा किया क्या है अच्छा लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए वे तीन साल गायकी का मान लो तजुर्बा है ठीक है बहुत अच्छे गाने गाए वायरल हुआ लोग तारीफ करते हैं लोकसभा का टिकट तो 10-15 साल की मेहनत मशक्कत लोग नीचे से शुरू करते हैं पार्षद विधायक संघर्ष करते रहते हैं कई बार बीस साल बाद भी लोकसभा का टिकट नहीं मिलता जीतना तो लग जाए टिकट तो लोग कहेंगे नहीं कि बहुत है इतनी जल्दी लोकसभा देखिए सर अपने मुंह में या मिठू में बिल्कुल नहीं होना चाहूंगी ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा के बोल रही हूँ किसी पार्टी के सामने कि मुझे टिकट दिला दो मैंने बहुत सारा काम कर दिया है अब तो मुझे टिकट मिल ही जाना चाहिए टिकट नहीं मेरी तो उम्र ही गुजरती जा रही है अब मुझे टिकट दे दो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं, मैंने कहा तो कि अगर कोई पार्टी मेरे बारे में ये कंसीडर करती है मुझे उस योग्य समझ क्योंकि टिकट पा लेना मेरे पास हाथ में थोड़ी मैं थोड़ी मैं टिकट जो है अथॉरिटी मेरे पास नहीं है की हाँ टिकट इनको देना है उनको देना है मुझे देना है तो मुझे नहीं पता है तो ठीक है पार्टी मतलब जैसे तुमने कहा अगर कोई पार्टी हाँ, हाँ. कोई पार्टी मतलब चाहे बीजेपी हो चाहे मुझे लगता है कि जो है अगर अपने बीजेपी की बात कही तो मुझे लगता है कि चार पांच अगर शर्तें मेरी मान ली जाए तो कहे नहीं बीजेपी कौन चार पांच शर्तें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर मणिपुर चले जाएं, प्रधानमंत्री जी अगर पहलवान बेटियों की सुन लें प्रधानमंत्री जी अगर बेरोजगारी पे थोड़ा काम कर लें प्रधानमंत्री जी महिलाओं के सम्मान में थोड़ा बोलना सीख लें ये दो चार चीज़ें कर लें तो भाजपा टिकट देगी तो कहीं नहीं चुनाव लड़ा जाएगा भैया <laughs> तो खाली ये तीन चार रिजर्वेशन है बीजेपी से तुम्हारा नहीं बहुत सारा है अभी तो मैं खाली तीन चार आपको बता रही हूँ तो 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 अच्छा उसके बाद जैसे कहा कोई भी पार्टी तो मान लो जैसे एक तो बीजेपी का तुमने चार रिजर्वेशन बता दिया दूसरी चीज की उसके बाद कोई भी पार्टी मतलब चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे आर हो चाहे कांग्रेस कोई भी मैं विचार करूंगी सर मैंने ये नहीं कहा कि एकदम मैं टिकट पे लड़ने को तैयार हूं मैंने कहा मैं जरूर विचार करूंगी देखिए सर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी पार्टी मेरे बारे में कंसिडर कर क्योंकि देखिए मेरी उम्र अभी सत्ताईस साल है ठीक है मैं बिरुण लड़कियों बिरुण। को इसे उम्र बताना नहीं चाहिए लेकिन नहीं मुझे मुझे कोई दिक्कत हाँ। नहीं है भाई मैं तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ मुझे तो लगता है मेरे बाल भी पक जाएंगे उस दिन भी मैं बाल कलर नहीं करूंगी ठीक है उम्र हो रही है तो उम्र हो रही है कोई दिक्कत नहीं है तो हाँ मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बड़ी बात होगी अगर कोई पार्टी तो ये में बताओ फिर तो लोग कहेंगे यही इंटरव्यू देख के एक उत्तर एक दक्षिण तो से कहीं भी क्योंकि जैसे हमने भाजपा की बात कही तो चार पांच शर्तों की जो बात कही मैंने आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है ये शर्तें मेरी मान ली जाएंगी मान लो 2024 के बाद मोदी जी मणिपुर अगर चले गए बेरोजगारी में करो कुछ नौकरियां दे दी हाँ हा, 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 हा। तो, तो देश के लिए बड़ा बढ़िया काम करने लगेंगे जो बढ़िया काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे जो बेटियों के सम्मान की बात करेगा जो बेरोजगारी पे काम करेगा जो महंगाई पे काम करेगा हम उसके साथ हैं हाँ चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो चाहे आरजेडी हो चाहे कोई भी पार्टी हो जो बेरोजगारों की जो बेरोजगारों पर लाठी नहीं चलवाएगा जो मणिपुर जाएगा जो महिलाओं के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलेगा हम उसके साथ हैं भाजपा से मेरी कोई दुश्मनी थोड़े है मोदी जी ने मेरे भैंस थोड़े खोल लिया है कि मैं मोदी जी से आए दिन सवाल पूछती रहती हूँ अरे मोदी जी आज मेरे दो करोड़ रोजगार दे देना तो इसका मतलब ये हुआ कि अब नेहा सिंह राठौर का एक पॉलिटिकल एम्बिशन है जबरदस्त कि सांसद बनना विधायक नहीं मतलब सीधे सांसद अरे सर तो ऐसा ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा मैंने बस इतना कहा है कि अगर कोई भी पार्टी सर मेरे बारे में मुझे नहीं पता है कि कौन मेरे को उस योग्य समझता है पर अगर कंसिडर करता है तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तो मैं उस पर क्यों नहीं विचार करूँगी और इस सच में सबके लिए ये बड़ी बात होगी मेरे लिए तो खास तौर से क्योंकि मैं मैं जहाँ से आती हूँ मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वहाँ पे किसी का कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है है ना तो ये मेरे लिए बड़ी बात है अगर कोई पार्टी मेरे बारे में ऐसा कंसीडर करती है मुझे उस योग्य समझती है तो मैं उस पर विचार करूँगी चलो अब विषय बदलते हैं ये तो पॉलिटिकल एम्बिशन चलो नेहा का पता चला अब जो ये बहुत सारे ट्वीट में नेहा देख रहा था आपको जो लगातार आप ट्वीट करते रहे हाल के दिनों में महिला के मुद्दे पर पॉलिटिकल इशू पर बहुत लगातार ट्वीट करते हो न्यायालय की अब मानना करना देशभक्ति है इस तरह का आपने शायद कुछ ट्वीट किया बहुत तरह के ट्वीट आपके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप ये क्या है भारत के राष्ट्रपति के साथ आपका बर्ताव ठीक नहीं है सर समान शिष्टाचार की बात भी मूर्खता है ये कब किया था आ, मुझे लगता है दो चार दिन पहले ही पांच दिन पहले ही किया होगा एक फोटो था हाँ। जिसमें अच्छा लाल कृष्ण आडवाणी के यहाँ गए थे हाँ, भारत और जो है राष्ट्रपति जी हैं वो खड़ी हैं और ये दोनों लोग बैठे अच्छा ये ट्वीट मैंने इसलिए किया था क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है बहुत नारी शक्ति की बात करते रहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात करते रहते हैं तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी अगर खड़ी हैं मुझे लगता है तो प्रधानमंत्री को बैठा नहीं रहना चाहिए हाँ मैं आपसे सहमत हूँ हालांकि उसका बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि यही प्रोटोकॉल होता है कि जब राष्ट्रपति भवन में भी किसी को इस तरह से सम्मानित किया जाता है भारत तक तो सम्मान देने वाला और सम्मान लेने वाला वो दोनों खड़े रहते हैं और बाकी लोग बैठे रहते हैं लोगों ने कहा लेकिन फिर भी मुझे तो सोनम मांग चुक बहुत सारे पॉलिटिकल उस पर भी आप आ, बहुत लगातार बोलते रहते हो तो ये जो पॉलिटिकली आप इतना रिएक्ट करते हो उसके पीछे क्या वजह है क्या चलो आप ही बताओ इसके पीछे क्या वजह नहीं सर पॉलिटिकली जैसे पॉलिटिक्स में तो बहुत सारे मुद्दे होने चाहिए जो कि अभी है नहीं बस एक ही मुद्दा चल रहा है पता नहीं धर्म को लेकर के जैसे मुझे लगता है कि बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए जैसे अभी आपने सोनम वांगचुक जी का नाम लिया लिटरली मैं क्योंकि मीडिया में कहीं दिख ही नहीं रहे हैं सोनम वांगचुक कौन है ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे उनको एक जगह में मेरी कहीं ऐसी बातचीत हो रही थी तो एक कोई फिल्म बना रहे थे वो डायरेक्टर तो उनसे हमारी कुछ बातचीत हो रही तो उन्होंने मुझे पहली बार आज से लगभग एक महीना पहले तब मैं सोनम वांगचुक जी को जान पाई उन्होंने मुझे बोला कि नेहा तुम मुद्दे पे काम करती रहती हो गीत लिखती रहती हो इस मुद्दे पे गीत लिखो मैंने कहा क्या चल रहा है तो उन्होंने बताया कि लद्दाख में ये कई दिनों से जो है आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो मैंने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं है ये कब हुआ ये क्या हो रहा है मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं है काफ़ी वहाँ पे ठंड पड़ रही है बहुत प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं बर्फ गिर रहा है वो एक अकेला आदमी ऐसे कंबल में लिपटा हुआ कोई वीडियो बना रहा है कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तो मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि भाई इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा नहीं रही 21 दिन तक बैठे रहे आ, कल भी उनका वीडियो आया है आज भी वीडियो आया है हाँ, बल्कि हाँ. उनका प्रदर्शन कल कुछ होना है सात तारीख को तो वहाँ लद्दाख में बहुत तरह की सुरक्षा टाइट कर दी गई इंटरनेट डाउन किया गया इंटरनेट डाउन कर दिया हुँ, गया हुँ, है हुँ, तो ये तो इनके अभिव्यक्ति की आजादी का जो है उदाहरण है एक इस पे मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगी ये ताजा ताजा बात है ये कल की बात है जब अब ये अभिव्यक्ति की बात और इंटरनेट काट देने की बात चल रही है तो मैं इस पे एक और बात ऐड करना चाहूंगी कल मैं गई थी एक टीवी चैनल के डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता थे तो बातचीत ऐसे हो रही है बातचीत ऐसे हो रही है मैंने कहा कि बहुत महिलाओं के सम्मान की बात आप लोग करते रहते हैं और मैंने एक स्क्रीनशॉट उनको दिखा दी कि देखिए ये मोदी का परिवार लिखने वाला जो आदमी है मेरे बारे में क्या लिखा है वो आदमी मुझसे झगड़ा करने लगा बूढ़ा आदमी मेरे को बोले तुम मेरी बेटी जैसे मैंने कहा चुप हो जाओ तुम बिल्कुल मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ मैं भाजपा की बेटी नहीं हूँ मैं इस देश की बेटी हूँ अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ दूसरी चीज उस व्यक्ति ने कहा पता नहीं वो क्लिप को दिखाएंगे भी नहीं वो चैनल वाले मुझे नहीं पता उसने कहा जैसे एंकर ने मुझसे बोला कि ठीक है आप गाना सुनाइए दिसवा में काबा मैंने जैसे ही सुनाने की बात करी उसने बोला कि ये गीत नहीं गाएगी मैं नहीं गाने दूंगा लिटरली सर वो लगभग दो से तीन मिनट का गाना है जो अभी मैंने आपको दिसवा में काबा सुनाया मैं जैसे जैसे गा रही थी वो आदमी वैसे वैसे चिल्ला रहा था और वो कंटिन्यू चिल्लाता रहा वो क्या चिल्ला के बोल रहा था ये मुझे नहीं पता पर ये जो अभिव्यक्ति की आजादी की इन लोगों को मेरे गाने से इतना दिक्कत है मेरा गाना गया ही नहीं मोदी मतलब हाँ, 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 हाँ तो अच्छा, जी से और बीजेपी से चार पांच चीजें कर लें तो उधर भी टिकट मिल जाए लड़ लेंगे वहां तो एक सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी की आइडियोलॉजी है जिसमें धार्मिकता है अंधधार्मिकता है जिसमें एक मुस्लिम विरोध है इनहेरेंट कहें जितना भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बिल्कुल। लेकिन मैं मैं। गुरु की तरह देश के मैंने वही तो कहा कि चार पांच लिस्ट तो खाली मैंने आपको बताया जब मैं लिस्ट निकालूंगी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी मैं ये शर्त रखूंगी नहीं आपकी शर्त पे कौन वहां फिर तय करेगा फिर मैं नहीं जा रही हूँ ना मैंने कहा तो कि भाजपा से मेरी दुश्मनी नहीं है भाजपा को 303 सीट नेहर सीट से थोड़ी मिले तो मैं रेडी हूँ बस शर्तें तो आपने भी जैसे कहा ना ऐसे थोड़ी मानेंगे तो मैं वैसे थोड़ी चली जाऊंगी मणिपुर आपने कहा ना कि अरे कौन जा रहा है मुझे भी पता है कि आप नहीं जाने वाले हो मैं कितना भी कह लू तो अगर आप मणिपुर जाओगे अगर आप बेरोजगारी पे काम करोगे अगर आप धर्म का राजनीतिकरण नहीं करोगे मैं हूं आपके साथ तो धर्म की राजनीतिकरण नहीं करेगी तो बीजेपी की बुनियाद और कोरी वही है कोई तो मैंने मैंने कहा कहा तो तो तो, यही यही मैं, हिंदुत्व वही उसका हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स हाँ तो मैंने, कहा तो यही मैंने यही तो कहा हाँ वही तो कहा सर कि अगर मेरी ये ये सारी शर्तें हैं अगर वो मान लेते हैं तो मैं रेडी हूं मुझे पता तो ये नहीं मानने वाले हैं ठीक है मैं चलो फिर वापस आते हैं पॉलिटिक्स से हाँ बाकी तो चीजों पर कि क्या सोचते हो एक तो ये चलो लोकसभा टिकट तो लोकसभा तो अब

आगे। 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 ने इसलिए हवा बनाया क्योंकि आपने आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया आपने ये नहीं कहा एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट कि नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना <laughs> तो कहा कि हाँ कोई पार्टी सोचेगी, देगी तो मैं जैसे मुझे एक तो पहले मुझे कोई दे नहीं रहा और पहली बात दूसरी बात मैं आज ऑन रिकॉर्ड कर सकता हूँ किसी भी सूरत में पॉलिटिक्स में जाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं किसी भी सूरत में किसी भी सूरत में किसी भी सूरत में किसी भी किसी <laughs> से नहीं नहीं मैं तो मैं, मैं नहीं ये मैं क्या हूं कि अगर कोई आब, आब, आब कोई अब अब जैसे आदमी कल को दस साल बाद कहेगा तो ऐसा कहा तो मैं सागरिका घोष भी, भी नहीं है ठीक तो है आपकी है, है, है होना भी गलत नहीं है नहीं होना भी गलत उसमें हर आदमी की अपनी चॉइस है पच्चीस सत्ताईस साल के लोग यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर या यंगेस्ट के लोग बने बहुत सारे लोग बने तो अब पांच साल यहाँ से नेहा सिंह राठौर अपने लिए क्या देखती है अब तो लोकसभा चुनाव तो मान लो जो भी निकल जाएगा उसके बाद देखिए सर मेरा मैंने कहा ना कि मैं पिछले तीन चार सालों से एक्टिव हूँ और भोजपुरी को लेकर के एक्टिव मेरा मेन काम वही है भोजपुरी को लेकर के अपनी भाषा को लेकर के मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन मैं उसी पे काम कर रही हूँ अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी अब इसमें मेरी गलती नहीं कि मेरा यूपी में काबा ज़्यादा वायरल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि खाली चुनाव के टाइम में ये यूपी में काबा और दसवा में काबा गाती रहती है जबकि सच्चाई ये है कि मैं कंटिन्यू एक्टिव रहती हूँ जो भी कुछ ऐसा मुद्दा मुझे लगता है कि इस पर मुझे गीत लिखना चाहिए मेरा अपना तरीका हुँ, है गुस्सा या नाराजगी अपना विरोध जो है वो दर्ज कराने का जैसे आप पत्रकार हैं तो आप बोल करके ऐसे बताते हैं मैं गीत गा करके तो लोगों को लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ मैं तो बस चुनाव के टाइम पे ऐसे बरसाती मेंढक की तरह आ जाती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरा आंदोलन है और मैं उसके तहत काम कर रही हूँ बुरी बात यह है कि मैं बिल्कुल अकेले काम कर रही हूँ कोई मेरे साथ आना नहीं चाह रहा है नुँ। अगले पाँच साल तक भी क्या अगले दस साल तक मैं यही करना चाहूँगी जब तक मेरी जो भोजपुरी भाषा है वो साफ़ सुथरी नहीं हो जाती और जब तक भाजपा ऐसे गंदे लोगों को टिकट देना बंद नहीं कर देती है तब तक मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी मैं कई बार भाजपा से भी ये सवाल जो है वो उठा चुकी हूँ कि भाई भाषा को अपमानित करने वाले लोगों को अगर आप टिकट देकर के सम्मानित करते रहेंगे तो बहुत सारे लोग इससे प्रोत्साहित होते रहेंगे जैसे अभी आसनसोल में पवन सिंह जी को टिकट मिला मुझे बड़ा दुख हुआ मुझे लगा ये क्या हो रहा है लेकिन बड़ी खुशी हुई जब उनकी टिकट कट गई मुझे लगा हाँ ये ये ठीक बात हुई है क्योंकि बहुत सारे के गवईये हैं जो आस लगा करके बैठे हुए कि बस 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 कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाजपा की चाटुकारिता थोड़ी सी कर देनी है मोदी जी आएंगे तो मोदी जी टाइप गाना गा देना है और इसके बाद फुहड़ गीत तो अपना चल ही रहा है भाजपा जो है कोई गाना लिखा है मैंने मतलब Oh, <laughs> कभी नहीं लिख सकती मैं कभी नहीं जो भी पार्टी सत्ता में है नेहा सिंह राठौर जैसे आपने कहा ना कभी नहीं कभी नहीं तो मुझे भी लगता है कि कभी नहीं हमेशा उनसे सवाल जैसे कल को अगर राहुल गांधी जी आ जाते हैं सत्ता में तो बतौर कलाकार बतौर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सिर्फ उनसे सवाल पूछेगी और ये एकदम है कभी नहीं कभी नहीं चाटुकारिता कभी नहीं तो ये बताओ तो मोदी जी में कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती लोग ये ट्रोल करने वाले ये भी तो कहते होंगे हमें भी पूछते हैं कि मोदी जी विश्व गुरु बना दिए बन गए देश हाँ। को कहा से कहा लेके चले गए हाँ। और उसके बाद नेहा सिंह राठौर को खाली यही दिखता है कमियां ये बेरोजगारी हो किसानी मोदी जी बहुत कुछ कर गए मोदी जी बहुत कुछ कर गए होंगे मुझे नहीं पता कर ही गए होंगे तो मोदी जी तो रोज बता रहे हैं करोड़ों रुपया खर्च करके वो जो होर्डिंग पोस्टर टाइप दिख रहा है मैंने एक चीज क्या देखा सर मैं आ रही थी कल परसों ही शायद रस्ते में मोदी जी कल रात को कोई भाषण देते हैं सुबह उसका पूरा बैनर पोस्टर मैं सोचती हूँ ये काम हो कैसे रहा भाई ये कौन है इतना एक्टिव ये कहा से आ रहा है इतना पैसा भाई मोदी जी ने अपने मुंह से एक बात बोली उसका पोस्टर छप गया है गांव देहात तक छप रहा है आप समझ रहे हैं कहां से पैसा आ रहा है भाई? तो इस पे सवाल हम करेंगे अरे बीजेपी आठ नौ हजार करोड़ तो चुनावी चंदे से आया वो व्हाइट में आया जो गुप्त चंदा था जो दुनिया के सामने आ गया नहीं तो छुपाई था तो, इसके अलावा कमी है क्या वो अडानी जी हैं अंबानी जी हैं सरकार है मशीनरी है बहुत चीज है तो और एक बात समझ लो चुनाव में एक दो करोड़ तो कागज पे जो भी लोग कोई दिखा दे पार्टी यहाँ वहाँ लेकिन उसके उसकी आड़ में न जाने कितने करोड़ों खर्च होते हैं एक एक रैली में तो पैसे थोड़ी कमी है बिल्कुल सही बात है तो वो चीज तो अपना बता ही रहे हैं ना और तो, सरकार का भी पैसा है प्रधानमंत्री है तो बहुत सारे विज्ञापन तो सरकारी होते हैं सरकार के पैसे से होते हैं सरकार के खजाने से होते हैं थैंक यू मोदी जी सरकार के खजाने से होते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो मैं वही कह रही हूँ की पार्टी से ज्यादा सरकार खर्च कर सरकार खर्च कर दे तो मैं वही

तो जो नहीं बता रहे हैं जैसे संदेश खाली गए मुझे भी लगता है जाना चाहिए पर मणिपुर जब नहीं जाएंगे तो मैं तो उनसे सवाल पूछूंगी देखो अब हमने बात शुरू की थी तब रोशनी थी सूर्यास्त हो रहा था अब पूरी तरह से सूर्यास्त हो गया सन नाउन हो गया तो अब ये कैसा लग रहा है उसे जगह हमारी सर मुझे तो ये बहुत पॉजिटिव लगता है मैं तो मैं कोई पहली बार नहीं आई हूँ मैं तो आती रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है काफी तो इसको मैं... आपने मेंटेन मुझे लगता, लगता है कोई तो पौधों का बहुत शौक है कि? बहुत शौक है मुझे मैं जब मैं... आती हूँ तो जो दो चार पौधे नए होते, होते हैं होते है और मैं आज ही जैसे ये जो पूरा दिख रहा है ये हाँ, सब है ये सब आज आया गुलाब हाँ, और इसको हाँ, इसको कल मैं तो देखभाल कौन करता ने? है नहीं देखभाल के लिए तो दो माली है हमारे पास अच्छा, मतलब अच्छा, एक माली है और एक मेरा चालक है अच्छा, लेकिन अच्छा, मैं खुद इसमें शामिल रहता हूँ और ये पौधा सब सुबह लेके आया मुझे लगता है जिस हिसाब से आप पौधे और गमले ला रहे हैं एक टाइम पूरे छत पे क्यों देखो जैसे ये सब मैं आज ला हूँ इसको एडेनियम बोलते हैं उधर ही रहो कैमरा खराब होगा

कहा धनिया बो दिया है अच्छा है, अच्छा है। तो यहाँ धनिया तो नहीं है लेकिन पुदीना है अच्छा पुदीना आ, है पुदीना है कहीं होगा माली है तो बुलाओ भाई पुदीना होगा कहीं पुदीना लाओ इधर <laughs> पुदीना पहचानती हो तो बिल्कुल पहचान और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं पुदीना नहीं पहचान पहचानती नहीं, मैं बताऊं क्या ये देखो ये क्या है कोई कैमरे से मुझे बता रहे देना ये वाला बताओ ये वाला पुदीना है सुगंध इसका देखो पुदीना ये पुदीना है देखो 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 पता चला बिना सुगंध के समझ जाती पुदीना है तो समझ हल्का सा लेकिन तुलसी जैसा भी गंदा नहीं है। नहीं तुलसी अलग है पुदीना अलग है और धनिया नहीं है हाँ गमलों में हरी मिर्च भी उगाते हैं हरी मिर्च क्या फिर वही बात कहूंगा कि अच्छा, हरी मिर्च या धनिया तो हम लोग अब वो पीछे से कह रहा है टमाटर भी है अच्छा टमाटर भी आपने बोया है टमाटर थोड़ा बहुत होगा देखो मैं क्या है इसमें सब्जियां नहीं है ज्यादातर अच्छा मैं फूल ज्यादा रखता हूँ में फ्लावर में। अभी जैसे पूरा गुलाब है हुँ हुँ अब ये पूरा बेला अच्छा ये जब गुलाब फूल जाता है तो खुद से मुरझा के गिर जाता है गिर जाता अब, जाता, अब गिर तो... जाता, है लेकिन फिर उसको काट भी देते हैं अच्छा ताकि अच्छा। ये जैसे ये बेला है हुँ 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 ये गंधराज एक नया फ्लावर है मतलब नया अभी लगा कौन देता है सर आपको आइडिया कौन देता है नहीं मैं इस पर यूट्यूब देखता हूँ रिसर्च करता हूँ ये सब आज जैसे बताया ना अभी दस गमले उधर रखे हैं ये तो बड़ा ही ज्यादा सुंदर गंधार है भाई ये देखो बेला हमारा अभी बेला तो बहुत यहाँ पे आ, ये ताजा ताजा बेला लाओ उधर से तोड़ के भाई yes. संतोष उधर से उधर से वहां से तोड़ के लाओ ये सब थोड़ा मुरझा गया तो इसमें सुगंध कम होगा सबसे ज्यादा तो अब उसके चंपा ला उधर से चंपा बेला अब ये देखो पूरा गमला ही ले आया हमारा माली देख लो अरे पूरा गमला थोड़ी मांगा था संतोष भैया हट जाओ पूरा गमला ही ले आया चंपा उधर से तोड़ के तो ये ये सब इसके ये बेला है ये बेला है मोगरा तो इसका पूरा ये देखो इसमें मालिक की एक गलती पकड़ी गई दीवार पे रखा था छिप गया इसमें घास नहीं उगना चाहिए अच्छा। अब इसमें पूरा हम इसमें खाद डालते हैं तरह तरह का सरसों की खली उसके बाद अंडी उसके बाद थोड़ा सा डी बोन पाउडर ये सब पूरा खुद मुझे बनाते मुझे बच्चे समझ में नहीं आता है आप सारा दिन तो काम में इतना बिजी रहते हैं। सुबह 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 एक डेढ़ घंटा मैं मालिक के साथ देता हूँ अच्छा, अच्छा। और शाम को कभी मौका मिला तो दिया लेकिन एक डेढ़ घंटा आज ही ये सब ये सब आज का है <laughs> ये नई आमद है ये ये गुलाब जो है और ये एडेनियम जो है आज देखो क्या क्या अरे पौधा लाओ क्यों ला रहे पौधा उधर रखो फूल लाओ काली फूल तोड़ के लाओ तो पूरा मत तोड़ देना गुच्छा <laughs> अरे पूरा गुच्छा बोरा गया क्या ये देखो ये हमारा चंपा है सब सुगंध वाले फूल हैं हम्म hmm. है तो अभी थोड़ी देर में समर के जो प्लांट्स यहाँ जब आएंगे तो पूरा छत मेरा पूरी छत मेरी ये तरह तरह के पौधों से और बरसात से में तो ये और हरा भरा हरा जाता हो जाता हरा भरा हो, हो जाएगा, जाएगा बरसात में चूंकि बारिश होते ही पौधों में एक जो है ना उसके पत्ते और अलग से हरियाली आ जाती है तो चंपा जैसे विंटर में चंपा खत्म हो जाता है अब उसमें पत्ते आने लगे और जैसे ही अभी ये है भी तो काफी बड़ा है हाँ, ये गर्मी जैसी होगी इधर लाइट जलाओ भाई भगवान बुद्ध की मूर्ति है उधर लाइट इसमें वाटर बॉडी छोटा सा छोटा सा पानी का बना हुआ अच्छा ये देखिए इसमें डालू मैं फूल डाल दूं हां डाल दीजिए ये देखिए ये एक अलग तरह का प्लांट है क्या है ये दस पंद्रह साल में बनता है ये अच्छा। ये सारी डंडियां है देखो हाँ। और उन डंडियों को ऐसे वीव करके नेट की तरह और हाँ। और उसके तब ऊपर ऊपर फिर कटिंग है। तो मैं कहीं से लेके आया था तीन साल पहले गुड़गांव से लाया था खरीद के फिर इसकी कटिंग हमारे गिरता ही बड़ा रहेगा इसकी सिर्फ कटिंग होती रहती है बट ये नीचे उसका गोल ऐसे पूरा बना हुआ है बाहर से कहीं से आता होगा ये तो ये लेकिन ये है कि माली भी गवाही देगा कि पौधों के बारे में उस उसमें पड़ने वाले खाद के बारे में उनसे ज्यादा मेरी जानकारी बल्कि मैं बताता रहता हूँ उनको कि कौन सा खाद पड़ेगा उसके हाँ। लिए खूब गूगल देखता हूँ यूट्यूब तरह तरह तर के जो गार्डनिंग करने वाले यूट्यूबर हैं उनके यूट्यूब देखता काफी पसंद है मतलब हाँ मुझे बहुत पसंद है मुझे इसमें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और इसलिए खैर अब वापस तो तुम्हारी हॉबी क्या है ये तो मेरी हॉबी है मैंने बताया वो तो मुझे दिखता है दिख रहा है मुझे मेरी हॉबी गीत लिखना गीत गाना और उसमें कुछ नया कुछ कुछ क्रिएटिव तरीके से जैसे कभी मैं साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए गीत गाती हूँ कभी मैं सोचती हूँ मतलब कभी बर्तन धुलते हुए कि जैसे एक घर की महिला होती है ना बिहार की यूपी की जो घर का काम भी कर रही है लेकिन बहुत सारा उसके मन में सवाल भी है मैं ये करती रहती हूँ दूसरा चीज मुझे जो है मुझे सोना सोना पसंद है है खा पी करके ये 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 भी अच्छा ये तो अब जैसे जैसे चूंकि शाम हो गई है, जैसे हाँ। तुमने कहा कि तरह तरह से तुम गाने के मैनरिज्म के साथ गाती हो अब शाम का कोई गीत अभी लग रहा है कोई शाम का गीत सर ऐसे तो आपने पूछ दिया तो ऐसे मेरे दिमाग में नहीं है अच्छा चलो छोड़ो क्लोजिंग बताओ इस वीडियो में तुम दर्शक के लिए की ये दो गीत में जाते जाते सुनाना चाहती हाँ हाँ ठीक है मैं मैं सुना दे रही हूँ मेरा फोन हाँ मेरा फोन, हा, है, हाँ, हा, है, पास? है, है मेरे पास लिखा हुआ है मैं मैं सुनाती हूँ अरे कई सन बा तो हर चौकी दरिया हो इजतिया लुटाई गई ले हो अरे घरवा से बाहरी बजरिया हो इजतिया लुटाई गईले हो के करा से कहीं साहेब अपन लचारी अरे सगरी नगरिया भैल व्याभिचारी अरे खींच लेवे देह से लुगरिया हो इजतिया लुटाई गई हो रोई रोई कहली मणिपुर के बेटी लिहाते जन्मवा माई दब तू नरेटी अरे मार दे तू कोख के भीतरिया हो इजतिया लुट गई हो देख त सकल समाज तमाशा अरे साहेब जुआरी हमार हार गईले पासा आंख बहला बहे, बहे जैसे दरिया हो इज्जतिया लुटाई गई हो और सभा बीच हमारा के पापी घी सर काहे बड़ा हो साहेब तुह भी सर तनी फेर है हरो नजरिया हो इज्जतिया लुटाई ग हो कैसन बा तो हर चौकी दरिया हो इज्जतियाँ लुटाए बहुत तकलीफ है इसमें मणिपुर की वो जो दो महिलाएं थी जिनको नग्न करके घुमाया गया जी, था जी। और जो जो तस्वीर वायरल हुई और उसको उसको उस तस्वीर के बाद स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने और जब कहा कि आप कुछ एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे तब पचहत्तर या सतहत्तर दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी टूटी थी उसके पहले तो पता ही नहीं चल रहा था हालांकि वो बिल्कुण। तस्वीर भी पहले की थी बिल्कुण, आ, बिल्कुण। दो या ढाई महीने बाद वो तस्वीर सरफेस हुई मेरे ख्याल से या महीने बाद तो ये लिखा कब था आपने उस उसी टाइम जब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा था ये क्या चल रहा है भाई वो तो एक लड़की होने के नाते एक महिला होने के नाते मुझे लगा कि मैं सवाल करूं कि कैसी है आपकी चौकीदारी भाई इधर महिलाओं का इज्जत लुटा जा रहा है और आप अपने आप को चौकीदार चौकीदार बोल रहे हैं चौकीदार को थोड़ा चौकन्ना होना चाहिए ना भाई तो इस गाने के भाव यही है कि सभा बीच पापी तो हमको घिसरा के ले ही जा रहे हैं आप भी साहेब बिसरा ही दिए हैं थोड़ा इधर भी देख लीजिए क्या चल रहा है और ऐसी ऐसा कोई अभी और गाना लगता है हाँ, तो एक, एक और सुनाओ एक और गीत मैं सुनाऊंगी लेकिन मैं देखिए सर मैं लोकगीत गाती हूँ और लोक गीतों में गाड़ी की भी एक विधा है तो मैंने चौकीदार जी के लिए एक गारी लिखा है वैसे तो मड़वा में समाधि को गरी आते हुए समाधि के लिए गारी सुना होगा बिहार में शादियों में होता है खूब गारी देते हैं गालियाँ देते हैं बड़ा सम्मान से तो मैंने भी पूरे सम्मान के साथ साहब को मैं गाली सुनाना चाहूंगी हे साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी चौकी वाके दे चुनी चुनी गारी झोला उठाओ झोला लेके चले जाओ मन की बात कहीं और सुनाओ तो हर चौबिस में ढील हो मर्दारी साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी पंद्रह लाख के वादा जे कैले दस साल बीतल पैसा न एजी चौबीस में पलड़ा विरोधियन के भारी सहेबाबा के देबो चुनी चुनी गारी चौदह में आयल फकीर हो दू करोड़ नौकरी के खींचलस लकीर हो जी नौकरी ना चकरी बढ़ल बेरोजगारी साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी सुन सुन साहेब करप्शन के खेल हो पटरी से रेल हो जाला डी रेल हो एजी मोरबी में पुल टूटल के कर जिम्मेदारी सहबावा के देवो चुनी चुनी गारी दस लखिया च समा दुई लखिया पूछ सवाल तो चुरावे लायखिया ई फकीरवा के बाटे या डनिया से यारी सहबावा के देबो चुनी चुनी गारी तो जब चुनी चुनी गारी ऐसे दोगी साहेब को और अडानी से यारी पे बोलोगी तो फिर तो ट्रोल होगी भाई नहीं हम डरते नहीं है भाई आप करो ट्रोल को, कोई दिक्कत नहीं आप ट्रोल करते रहिए और आप लोगों ने मुझे ढीर इतना तो बना ही दिया है कि अब मैं रुकने वाली तो नहीं हूं बातें हुई थोड़ा पर्सनल हिमांशु बिल्कुल हिमांशु कहा हिमांशु हाजिर हो हिमांशु कहीं भी हो तो हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो हिमांशु जी हाजिर हो ये